मेरे को पिछले 3-4 सालों से मेरे को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। सर्जरी के 2 घंटे बाद ही मैं चलने फिरने लगा। मेरे को लिक्विड डाइट चालू कर दिया गया, मैं रात को खाना भी खाया और नींद भी काफ़ी अच्छी है। आज मेरी सर्जरी को 2 दिन हो चुके हैं और मैं अच्छे से खा पी रहा हूँ और मुझे खाने पीने, उठने बैठने, चलने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। सर्जरी के बाद मैं सब कुछ खा पी रहा हूँ। अब तक मुझे एंटासिड लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंटासिड की दवाई नहीं ले रहा हूँ और जो भी खाना है वो सभी खाना मैं खा पा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन कुमार नायक है। मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरे को पिछले 3-4 सालों से मेरे को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। जब मैंने 2020 में पहली बार एंडोस्कोपी कराया तो उसमें हाइटस हर्निया आया, जिसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने करीबन 2 साल तक मैं दवाई लिया, एसिड की दवाई लिया, लेकिन उसमें मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने YouTube पर वीडियो देखा डॉक्टर चिराग ठक्कर जी के बारे में। वहाँ पेशेंट के रिव्यू देखे मैंने, तो मैं उनसे कंसल्ट किया। फिर उन्होंने मुझे अहमदाबाद बुलाया और मैं कल अहमदाबाद आया और पीएच मैनोमेट्री और इसोफेगल का मैंने टेस्ट कराया है, जो कि देख सकते हैं अभी मेरे पीएच स्टडी यहाँ पर लगा हुआ है। इसको मैं अभी करवाने आया हूँ और इसको निकलवाने के बारे बाद मैं आपको इसके बारे में आगे और बताऊंगा। मैं पवन कुमार नायक, महासमुंद छत्तीसगढ़ से। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी पीएच मैनोमेट्री हुई, इसमें रिफ्लक्स तो ज़्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा जो भोजन है वो ऊपर को चल रहा था। और फिर सर ने मुझे सलाह किया कि आप एक सर्जरी करवा लीजिए। तो मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट किया, जांच वाँच, ब्लड टेस्ट हो गया जितना इसके था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद मेरी दोपहर को सर्जरी थी। करीबन 2 घंटे तक चली मेरी सर्जरी। इसमें मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरी सर्जरी कब हो गई। और सर्जरी के बाद भी मेरे को ज़्यादा दर्द का महसूस नहीं हुआ, दर्द महसूस नहीं हुआ। और सर्जरी के 2 घंटे बाद ही मैं चलने फिरने लगा। मेरे को लिक्विड डाइट चालू कर दिया गया, मैं रात को खाना भी खाया और नींद भी काफ़ी अच्छी आई। उसके बाद सवेरे मैं उठा, अपने से खुद से टॉयलेट भी गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे नाश्ता दिया गया, मैंने नाश्ता भी किया, अभी चल फिर रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। और थोड़ी देर बाद मेरे को यहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। और मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिनको भी हाइटस हर्निया है या फिर गर्ड की शिकायत है, वो डॉक्टर चिराग सर से संपर्क करें और अपना परमानेंट सलूशन पाएँ। मैं पवन कुमार नायक, छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले से। जैसे कि मेरी सर्जरी अभी 2 दिन पहले हुई है। सर्जरी के दौरान और उसके बाद अभी भी अभी तक मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई है, ना दर्द का अनुभव भी नहीं हो रहा है। तो इस दौरान मैंने अच्छे से खाया पिया भी, सोया भी, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुआ। और सर्जरी के 2 दिन बाद मैं सर के पास फॉलोअप के लिए आया हुआ था। सर ने एक बार फिर से चेक किया और ब्रीदिंग का जो एक्सरसाइज वो करने के लिए बोला, अच्छी नींद के लिए और स्ट्रेस कम करने के लिए। मेरा नाम पवन कुमार नायक है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आज मेरी सर्जरी को 6 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आप लोगों को बताया था कि मेरे को जो बहुत सारी समस्याएं होती थी, प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि ब्लोटिंग, पेट फूलना, बेचैनी लगना। और सर्जरी के बाद काफ़ी हद तक मुझे राहत महसूस हुआ है ब्लोटिंग से और जो बेचैनी लगता था। तो सर्जरी के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। और जो मैं खा पी नहीं रह पा रहा था, वो सभी चीज़ें मैं खा रहा हूँ अब। उससे मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई और अभी तक मैं एंटासिड भी नहीं ले रहा हूँ, कोई दवाइयाँ ले रहा हूँ। सर्जरी के बाद पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ।